साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। काफी टाइम से मैं दुबई से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, तो आज अभी कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैंने एक वीडियो पहले भी अगर आपको पता हो तो डाला था कि नो एजेंट, यहाँ एजेंट का झंझट नहीं है, डायरेक्ट दुबई मैन पावर से आप काम करवा सकते हैं। शायद ये मेरा पहला वीडियो था होगा मेरे हिसाब से आपकी नजरों में, कि डायरेक्ट में लोग तो देते हैं दुबई मैन इंडियन मैन पावर के नंबर, मैं आपको दुबई मैन पावर के नंबर डायरेक्ट दिए भी थे, बहुत सारे लोगों ने बात भी वहां पे करी है, हालांकि ज्यादा नहीं थे, कुछ ही लोग थे, क्योंकि वो सिलेक्शन होना जरूरी है, फालतू के कॉल ज्यादा आते हैं तो इसलिए फीस रखना जरूरी है, ताकि सिलेक्टेड लोग, जो एक्चुअली में होता क्या है कि तो ज्यादा कॉल आते हैं जिनको रियल आवश्यकता होती है वो तो रह जाते हैं, जो फेक कॉल होते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, तो सिस्टम बिगड़ जाता है थोड़ा, अगले के लिए भी ज्यादा और इधर आप लोगों के लिए भी परेशानी। तो अभी जो नई रिक्वायरमेंट है साथियों, कुछ चीजें हैं, मैं 2-3 वैकेंसी आई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पहले वाले लोग या नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं वो भी डायरेक्ट दुबई मैन पावर का नंबर दूंगा। मैंने पहले भी वहां ऑफिस में वीडियो बनाए थे, आपको पता होगा, अच्छी ऑफिस है, मैन पावर ऑफिस है, लाइसेंस साथ में ऐड कर दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपको साथ में मैं दे दूंगा, ठीक है, तो उससे आप डायरेक्ट बात करके अपना जॉब सिलेक्शन करवा सकते हो, जॉब लग सकते हो, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है साथियों। तो शुरुआत करते, अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है 20 इंडियन ड्राइवर कोई, जिनके पास लाइट ड्राइवर लाइसेंस यूएई का होना चाहिए, यानी अगर आपके पास दुबई का लाइट लाइसेंस है वैलिड, तो आपको जॉब दुबई में मिल सकती है, तो ऑन द स्पॉट 2,000 से 2,500 सैलरी प्लस अकोमोडेशन प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, 2 साल का वीजा मिल जाएगा, इसमें एज मांगिए 20 से 35 साल तक। अगर आप में कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, तुरंत अपना काम आप करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। सेकेंड इंटरव्यू जो अभी जॉब आई है, ये है साथियों जूस पैकिंग की, जी हाँ साथियों, जूस पैकिंग हेल्पर की इसमें मांगी गई है। इसमें बता दूं मैं आपको, 1200 रुपए सैलरी रहेगी, प्लस बेसिक थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है साथियों अदर कंट्री में जाओगे तो कुछ तो आपको आना चाहिए कम से कम, यानी 10वीं बार भी आप पढ़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको 1200 प्लस रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, 1200 में खाना आपका रहेगा, इसको ऐसे मान सकते हो कि 1000 प्लस 200 कर लो या डायरेक्ट 1200 कर लो, 1200 में खाना आपका है, रहना मिल जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस वीजा वगैरह वो तो आपको पता है सब होता ही है, 2 साल का वो आपका वीजा मिल जाएगा, एजुकेशन 10वीं पास इसमें होने चाहिए आपको, ठीक है साथियों, कम से कम। और इसमें मैं बता दूं आपको कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, आप तुरंत आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको नंबर डाल दूंगा, आप बात करके 10 दिन में आप फ्लाइट करके जा सकते हैं, आपको पता है दुबई में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है साथियों। सेकेंड मैं थर्ड बता दूं, थर्ड वैकेंसी इसमें है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड, हाँ सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड इसमें वैकेंसी आई हुई है। इसमें बता दूं हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच कम से कम आपकी होनी चाहिए, ठीक है साथियों, कम से कम 10वीं 12वीं आपको पढ़ा होना होने चाहिए, 10वीं 12वीं तक आपको कुछ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और फ्री में आपको रहना प्लस ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल प्लस 2 साल का वीजा आपका मिल जाएगा। इसमें सैलरी अच्छी है, 2000 सैलरी आपको दुबई मिल सकती है, दुबई दराम, ठीक है, ये आपका 3 वैकेंसी हैं। अब मैं कुछ चीजें बता दूं आपको कि एक्चुअल में मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको नंबर दूंगा। ये जो जॉब बताए मैंने विजिट टू एम्प्लॉयमेंट बताए, यहाँ से आपको विजिट में जाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। बाकी मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा पैसा आपको वीजा टिकट का यहाँ देना है, बाकी पेमेंट वहां पे पहुंच के आप दे सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको ये भी नहीं लगेगा यार क्या पता एजेंट कौन है क्या है अपना पैसा खा जाएगा, भाई 20 वीजा भी आपको मिल रहा है, आपको टिकट भी मिल रही है, बाकी पैसा आपको वहां जाके देना है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। और कुछ लोगों ने बात करी होगी तो उनको लगा भी होगा ऐसा, बाकी मैन पावर मेन चीज होती है लाइसेंस, अगर बंदे जिस ऑफिस के थ्रू अपन जा रहे हैं उनके पास लाइसेंस है तो बंदा मतलब अपन ये मान सकते हैं कि सही है, ठीक है, बाकी भैया बिना लाइसेंस वाले तो अपन आप सोचोगे यार लाइसेंस है कि नहीं है, तो लाइसेंस की कॉपी मैं साथ में डाल दूंगा, और पहले भी मैंने इस ऑफिस से बहुत सारे वीडियो बना के डाले हैं, तो वो ही ये ऑफिस है, वो ही के थ्रू ये आपका काम होने वाला है। इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए, और हाँ दूसरी बात बता दूं कि जब भी आप दुबई आओ तो मेरे से आप जरूर मिल लीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा दुबई में बहुत जल्द, ठीक है साथियों। बाकी आप इंक्वायरी जो नंबर आप मेरे से लेंगे, अधिक जानकारी आप उनसे ले लीजिए, मेरे पास जो जानकारी थी मैं डाल दी था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी बातें आपके साथ और भी बहुत सारे मैं दुबई में क्या करने वाला हूँ क्या करूंगा वो बातें शेयर करूंगा, ठीक है साथियों, नंबर ले लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।